तत्वम पोषण अपवर्ण सामाजिक विज्ञान की इस वर्चुअल एक्टिविटी में हम कक्षा 8 के विद्यार्थी भारतीय संसद में क्वेश्चन आवर्स या प्रश्न काल की एक्टिविटी करेंगे। से यह पूछना चाहती हूँ कि आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया? यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह का जलसा हुआ। मैं गलत इंजाम लगा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत समेत संपूर्ण भारत में योगदान के लिए समर्पित है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। सरकार के पास सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोड है? के साथ सहकारी संघवाद के तहत पर्यावरण का ही नहीं बल्कि लोगों का विकास भी एक साथ विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। भारत में विकास के लिए समर्पित है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र पोरबंदर में जयपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। शांत रहिए, अभी हम आपके सवालों का इधर जवाब दे रहे हैं, शांत रहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार रोज भारत में 160 किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि हमारी सरकार किसान के कल्याण और समृद्धि में कार्य कर रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। की तरफ से था जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो गवर्नमेंट के लीडर होते हैं उनको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरीके से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो विपक्षी दल है उनका उनकी लीडर है। ये जुनून है कि हम घरों में ही दबे रहे। 50वीं सदी में कहा है देश हम भी है, वैसे तो 50 भी नहीं, उससे भी कम है महिलाओं की जनसंख्या। हमारे लद्दाख में कहावत है फूकना सांस पे, अगर कोई इंसान जमीन पर गिर जाए तो उसे मिट्टी का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन वर्तमान सरकार इतना आकाश में है कि उसे जमीन से कोई लेना देना ही नहीं। जमीन से जुड़े रहना शौक है हमारा और यही तो खासियत है हमारी। विपक्षियों को मैं इस माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि मैं इस जमीन पर रहकर आसमान की बुलंदियों को छूने वाली भूमि पुत्री हूँ। तो देश की जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सरकार बोलती है, सरकार की नीतियाँ बोलती है। धन्यवाद स्पीकर मैम। सदन में उपस्थित गणमान्यों को मेरा नमस्कार।